मुंबई क्रूज ड्रग मामले में 4 हफ्ते जेल में रहने के बाद सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान फाइनली बेल मिलने के बाद अपने घर पहुंचे। हजारों की तादाद में भीड़ उमड़ी, लोगों ने ढोल बजाते हुए प्रिंस आर्यन का स्वागत किया और मन्नत में खुशियां एक बार फिर लौट आई। मगर इन्हीं खुशियों के बीच आया शत्रुघ्न सिन्हा का एक ऐसा बयान जो सुनने वालों को लगा कि शायद शाहरुख खान की ओर टारगेटेड था। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि वो हमेशा से एंटी टोबैको कैंपेन्स से जुड़े रहे हैं और उनके तीनों बच्चों लव, कुश और सोनाक्षी की अपब्रिंगिंग ऐसी रही है कि ना तो उनकी ऐसी कोई बुरी आदतें हैं और ना ही वो ऐसे किसी भी मामलों में पकड़े गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सेलिब्रिटीज चाहे कितने भी बिजी क्यों ना हो, उन्हें अपने बच्चों पर ध्यान जरूर देना चाहिए और इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि उनका इंटरेक्शन गलत लोगों से ना हो। अब शत्रुघ्न साहब का निशाना कहीं भी हो, उनकी वाइफ पूनम सिन्हा आर्यन खान के रिलीज के एक दिन बाद ही मन्नत गई थी उनसे मिलने। ऐसे में विल द स्टेटमेंट बाय मिस्टर सिन्हा स्टर अप अ कंट्रोवर्सी? ओनली टाइम विल टेल। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू शोशा।